नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विकास पुरुष पुनाव सिंह के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को आज समाज सेवी कुणाल सिंह के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी पत्रकारों को समाज सेवी कुणाल सिंह के द्वारा अंगवस्त्र, बूके एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में शहर के गण्यमान्य लोग सुनील प्रसाद सिंह, सुशील चौधरी, विनय पांडे, संदीप मिश्रा, गौर सिंह, रमन सिंह, राकेश सिंह, चांद भाई आदि ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस मौके पर विकास पुरुष कुणाल सिंह ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिनकी समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका होती है। मीडिया धूप छांव बरसात दिन रात की परवाह किए बगैर हम लोगों को खबर संकलन कर समाचार के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र में हो रहे हर एक गतिविधियों से अवगत कराती है। वहीं आज की इस पत्रकार सम्मान समारोह में शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। ताजमहल है तो महसूस ये होता है कि तू मेरी गजल है और आंखें गजल है आपकी और होंठ है मेरी। गौरव बढ़ाए इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी दिनों से हम लोग काम कर रहे थे कि मीडिया बंधु के साथ एक समय स्पेंड करें, लेकिन हर बार कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन संयोग देखिए कि आज मेरा बेटा का पहला बर्थडे भी है, छोटे वाले बेटा का, और आज राष्ट्र प्रेस दिवस भी है। वो आगे चल के जिंदगी में बहुत कामयाब आदमी बने, आप लोग की तरह सफल प्रेस व्यक्ति बने, कुछ ना बने लेकिन बढ़िया से वो मीडिया का व्यक्ति जरूर बने। मैं जरूर चाहूंगा, इस मंच से बोलना चाहूंगा, मैं भी अपने पुत्र को मीडिया में ही हाउस में ही जाने दूंगा। मैं भी चाहूंगा वो सफल मीडिया व्यक्ति बने और उस देश का चौथा स्तंभ बन के सच्चाई को उजागर करे और सत्य के साथ चले। बहुत सारे लोग, बहुत विभिन्न विभिन्न के प्रकार के लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा की जो बात है, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। और शिक्षा आजादी हर चीज में एक प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज प्रेस के योगदान के बल पर हम आजाद हुए हैं और प्रेस की बदौलत ही यह देश आज आगे भी बढ़ रहा है। और आपको हम लोग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं। सभी मीडिया बंधुओं को दिल की गहराई से प्रणाम करते हैं।